स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए शिक्षा, बी संगीत, सी कृषि, डी नर्सिंग। आंसर डी नर्सिंग। एक्सप्लेनेशन: समाज को प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं के लिए नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों को सम्मानित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से वर्ष 1973 में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। इस बार यह अवार्ड 15 नर्सों को कर्तव्य और सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया। अगला प्रश्न। उस मिशन का नाम क्या है जो पहली बार निजी स्पेसवॉक का प्रयास करेगा? ए एक्सियोम अंतरिक्ष मिशन, बी स्टारलाइनर मिशन, सी पोलारिस डॉन, डी प्रेरणा 4। आंसर सी पोलारिस डॉन। एक्सप्लेनेशन: 4 निजी अंतरिक्ष यात्रियों का एक दल स्पेसएक्स मिशन की तैयारी कर रहा है जो पहली बार निजी स्पेसवॉक का प्रयास करेगा। पोलारिस डॉन नामक मिशन को फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल पर लॉन्च किया जाएगा। जेरेड इसाकमैन मिशन को वित्त पोषित कर रहे हैं जो उनके पोलारिस कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसमें भविष्य के मिशनों की योजना बनाई गई है जिसमें स्पेसएक्स की स्टारशिप भी शामिल है। अगला प्रश्न। किन दो देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की? ए भारत और अमेरिका, बी फ्रांस और जर्मनी, सी भारत और चीन, डी भारत और फ्रांस। आंसर डी भारत और फ्रांस। एक्सप्लेनेशन: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA सौर संसाधन संपन्न देशों का एक गठबंधन है जिसे 2015 में COP21 पेरिस समझौते के दौरान भारत और फ्रांस द्वारा शुरू किया गया था। 9 सितंबर 2024 को नेपाल आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का 101वां सदस्य बन गया। अगला प्रश्न। पुरुष एकल 2024 US ओपन ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता? ए डेनियल मेदवेदेव, बी नोवाक जोकोविच, सी जननिक सिन्हा, डी टेलर फ्रिट्ज। आंसर सी जननिक सिन्हा। एक्सप्लेनेशन: US ओपन 2024 चैंपियनशिप 19 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक फ्लशिंग मीडोज क्वींस न्यूयॉर्क शहर में आयोजित की गई थी। इटली के जननिक सिन्हा ने अमेरिका के टेलर फ्रिट्स को 6-3, 6-4, 7-5 से हराकर US ओपन 2024 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल खिताब जीते। वहीं बेलारूस की आर्यना सबालेका ने US ओपन के फाइनल में अमेरिका की जेसिका पेगुला को सीधे सेटों में 7-5, 7-5 से हराकर महिला एकल खिताब जीते। ये जननिक सिन्हा और आर्यना सबालेका का पहला US ओपन खिताब था। अगला प्रश्न। पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 से भारत को कितना आर्थिक लाभ हुआ? ए 1.20 अरब डॉलर, बी 1.39 अरब डॉलर, सी 1.50 अरब डॉलर, डी 1.60 अरब डॉलर। आंसर बी 1.39 अरब डॉलर। एक्सप्लेनेशन: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा बुधवार को जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के आयोजन से भारत को 1.39 अरब डॉलर, करीब 11,637 करोड़ रुपए का आर्थिक लाभ हुआ है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि वनडे विश्व कप को रिकॉर्ड 12,50,000 दर्शकों ने स्टेडियम में देखा। मेजबान शहरों में पर्यटन के क्षेत्र में 86.14 करोड़ डॉलर का राजस्व सृजन हुआ, जिसमें आवास, यात्रा, परिवहन और खाद्य एवं पेय पदार्थ शामिल हैं।